बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन और दिन की शुरुआत हर रोज की ही तरह विदेशी बाजार के संकेत पहले समझकर कर लेते हैं, उसके बाद बहुत कुछ है अगले आधे घंटे में आपको बताने के लिए। एक एक कर आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, खबरों वाले शेयर्स बताएंगे, नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद कई आए उन पर भी बातचीत होगी, ग्लोबल मार्केट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत पहले लेवल्स आपको दिखाकर कर देते हैं। मिली जुली शुरुआत या कह सकते हैं मिली जुले ट्रेंड जो है ग्लोबल मार्केट विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी यहां पर 15,704 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ आप देख पाएंगे। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार की अगर बात करें, यहां पर आप देखिए निकाई में कुछ हद तक सुस्ती के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार करीब 50 अंकों की बढ़त दिखाते हुए, डाउ फ्यूचर्स में आप देखिए 87 अंकों की तेजी, 33,846 के स्तर पर यह कर रहा है ट्रेड। कल अगर अमेरिकी बाजार की बात करें मिले जुले ट्रेंड देखने को मिले, क्योंकि डाउ में करीब 70 अंकों की गिरावट जरूर रही, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार दो दिनों से नैसडैक में अच्छी रिकॉर्ड क्लोजिंग पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। चलिए विदेशी बाजार में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है और साथ ही कच्चे तेल की चाल पर भी विस्तार से बातचीत। ऑफकोर्स आज तो कुछ डेटा भी आते हुए दिखेंगे, गुरुवार का ट्रेडिंग सेशन है, विस्तार से सब कुछ दीपांशु से एक बार जान लेते हैं। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज मिला जुला ट्रेंड हम देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, थोड़े मिले जुले संकेत हैं, आप कह सकती हैं थोड़ी सुस्ती है, बट ऐसी कोई भारी गिरावट कहीं पर नहीं आती हुई दिख रही है। ज्यादातर बाजार आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ही दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर हल्की बढ़त है, डाउ फ्यूचर्स अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वहीं नैसडैक में तो हम लगातार तेजी का माहौल देख रहे हैं और नैसडैक फ्यूचर्स में भी आज सुबह आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। हांगकांग की भी अच्छी शुरुआत हुई है। एक्चुअली कल शाम हमने देखा कि एक सीमित दायरे में अमेरिकी बाजारों में मिला जुला एक्शन आते हुए दिखा, जहां पर डाउ 70 अंक गिरकर बंद हुआ। आखिरी घंटे में ही ज्यादातर बिकवाली आई है, वरना तो पूरे दिन पॉजिटिव ही ट्रेड चल रहा था और ऊंचाई से हमने देखा डाउ लगभग 135 अंक गिरकर बंद हुआ, तो कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं होती हुई आपको दिखी है। नैसडैक पर हल्की बढ़त थी, एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लगते हुए दिखा है। S&P 500 पर हमने देखा 11 में से 8 सेक्टर्स पर दबाव था, पर टेक्नोलॉजी और साथ ही एनर्जी शेयर्स यहां से बाजार को सहारा मिला। 10 साल की बॉन्ड यील्ड रेंज में ही अटकी हुई है, पिछले एक डेढ़ दिनों से 1.48% के करीब वहां पर कारोबार होते हुए दिखा। डेटा के लिहाज से आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे, तो वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। और साथ ही यूएस फेड ने जो वहां के बैंक्स हैं उन पर एक स्ट्रेस टेस्ट किया था, देखने के लिए कि जिस तरह से पिछले साल का मूड माहौल बिगड़ा था उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है बैंक्स की परफॉर्मेंस पर, उनकी कैपिटल रेजिंग पर, उनके एनपीएस पर, तो उसके रिजल्ट्स आज आते हुए देखेंगे, तो इंटरेस्टिंग डे हो सकता है यूएस बैंक्स के लिए। यूरोप में हमने देखा थोड़ी कमजोरी थी, बट कच्चे तेल में लगातार तेजी का माहौल है और कल ब्रेंट $76 पर पहुंचते हुए दिखा है। अक्टूबर 2018 के बाद हमने ये स्तर ब्रेंट पर आते हुए देखा और कई सारी ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि $80 तो जल्द ही आ सकता है, बल्कि कुछ लोगों का तो अनुमान है कि अब $100 की भी बात करने की का समय आ चुका है। अमेरिकी भंडार पांचवे हफ्ते लगातार गिरते हुए हमें दिख रहे हैं और अनुमान से काफी ज्यादा गिरे हैं। मार्च 2020 के बाद के निचले स्तर पर हैं अमेरिकी भंडार, यहाँ की पूरी महामारी के पहले के स्तर पर अमेरिकी भंडार पहुंच चुके हैं और अनुमान यही है कि आने वाले समय में डिमांड और बढ़ती रहेगी। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल में उबाल आया है। अगले हफ्ते ओपेक की बैठक भी है, तो वहां पर देखते हैं क्या निकल कर आता है। इसके अलावा सोना दायरे में रहा, डॉलर में थोड़ी खरीदारी देखी है और क्रिप्टो बाजारों में दो तीन दिनों से जो वॉलिटिलिटी है वो अभी भी कायम है। कल इंट्राडे में 18% का उछाल हमने बिटकॉइन पर आते हुए देखा है। आपको याद होगा परसों कल सुबह हम बात कर रहे थे कि परसों के एक्शन में हमने देखा कि $30,000 के नीचे बिटकॉइन फिसला था, वहां से इंट्राडे में एक बार 18% का उछाल भी आपने वहां पर देखा है। तो वॉलिटिलिटी बनी हुई है, इंपॉर्टेंट डे है, आज देखते हैं किस तरह से ग्लोबल बाजार ट्रेड करते हैं। बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट डे विदेशी बाजार के लिए भी और भारतीय बाजार के लिए भी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आज होने जा रही है। शुक्रिया दीपांशु ये ग्लोबल बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। संस्थागत निवेशकों के कल के ट्रेंड को समझते हैं। बुधवार को एफआईआईज की कैश मार्केट वायदा बाजार में खरीदारी है, डीआईएस की भी कैश मार्केट में खरीदारी है, तो नेट एफआईआईज और डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े हमारे पास आते हुए दिखे हैं। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 3,157 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 1,317 करोड़ की खरीदारी की है, तो वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 3,851 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। मिले जुले संकेत भले ही हम देख रहे हैं विदेशी बाजार से फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एफआईआईज डीआईएस की खरीदारी है
और साथ ही आज मंथली एक्सपायरी का भी दिन है। आज का सेशन कैसा दिख सकता है, आपको स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या करना है, अभी आपको बताते हैं। और हमारे साथ अब ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ गए हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन, सर आज का दिन कितना वॉलिटाइल रह सकता है? FISDIS के खरीदारी के आंकड़े हैं और विदेशी बाजार मिले जुले संकेत लेकिन ऑन अ पॉजिटिव साइड फिलहाल दिख रहे हैं, क्या करें आज सर? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, दोनों ही तरह के संकेत है, इसमें कोई डाउट नहीं। कल आखिरी घंटे में जो भारतीय बाजारों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन कल ऐसा था जहाँ जैसा खुल रहे हैं उसके विपरीत बंद होते दिख रहे हैं। अगर बाजार दिन के हाई पर खुलता है तो दिन के लोज पर जाकर बंद होता है, नीचे खुलता है तो दिन के हाई पर जाकर बंद होता है, वैसा ही आज ट्रेंड देखने को मिला। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तो शायद अंदाजा लगाना ज्यादा आसान काम हो, और आज भी वैसा ही है। महीने की एक्सपायरी का दिन है तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे ही, लेकिन ज्यादा संभावना है कि हम ऊपर की तरफ खुले। उसकी दो बड़ी वजह है, एक तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स के संकेत ठीक है, कोई खास बुरे नहीं, हल्की फुल्की जो गिरावट डाउ में है वो हम पचा सकते हैं। नैसडेक ने फिर से दूसरे दिन नया रिकॉर्ड हाई बनाया और जितनी गिरावट डाउ में हुई है उसकी भरपाई डाउ फ्यूचर्स करते हुए दिख रहे हैं, और थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत हल्की फुल्की एशिया की भी होती हुई दिखी, तो उस लिहाज से ग्लोबल संकेत मेरे लिए ठीक है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज खरीदारी आनी चाहिए, वो है ओवरसोल्ड मार्केट। पुट कॉल रेशियो 1:0.96 पर है। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन ये डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं, कल जमकर कॉल राइटिंग हुई है, दबाकर कॉल राइटिंग हुई है, और अगर थोड़ा भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिला तो उस पर बाजार जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिखा सकते हैं। अब ये पॉजिटिव ट्रिगर या पुट कॉल रेशियो की वजह से शॉर्ट कवरिंग फर्स्ट हाफ में आ जाती है ग्लोबल मार्केट की तेजी के दम पर, रिकवरी के दम पर, एक संभावना वो है। दूसरी संभावना ये कि 2 बजे बाद जब रिलायंस की AGM शुरू होगी और तो हो सकता है वहां पर आती हुई दिखे, लेकिन एक बात पक्की है, आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग तो एक बार तो कम से कम आएगी, और उसके बाद देखते हैं ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक पाते हैं या नहीं। आइए लेवल्स में आपको बता दूं, 15,575 आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर। ऊपरी स्तरों पर 15,775-15,850 की रेंज है जहां पर हल्की फुल्की रुकावट है, मुनाफा उसकी आती हुई दिखेगी। अब आइए बैंक निफ्टी, 34,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो फिर 33,934 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 34,835 की रेंज में जाकर रुकने की संभावना बैंक निफ्टी में नजर आती है। तो इन लेवल्स, इन रेंज पर आपको आज रखनी चाहिए नजर जी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रेटजी और लेवल्स हमें बताने के लिए। तो देखिए, मंथली एक्सपायरी के दिन आपके पास पहली स्ट्रेटजी आ चुकी है, और मंथली एक्सपायरी है तो ट्रेडिंग सेशन वॉलिटाइल भी हो सकता है, और इसी के चलते जो भी स्ट्रेटजी हम आपको सुझा रहे हैं इसे ध्यान से जरूर आप देखिएगा, और वक्त वक्त पर जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं उस पर भी गौर कीजिएगा। पहली स्ट्रेटजी और लेवल्स इंपॉर्टेंट, आप देखिए निफ्टी में 15,500 से 15,575 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जो है 33,900 से 34,000 की रेंज, इसे आप मानकर चल सकते हैं। वहीं निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज 15,775 से 15,850 की होगी, और बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज जो है ये 34,800 से 35,000 का दायरा होगा। तो इस ट्रेडिंग रेंज पर जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए पहली स्ट्रेटजी। लेकिन खबरों के चलते भी कई सारे शेयर्स आज एक्शन में रह सकते हैं। बाजार बंद होने के बाद नतीजों का सीजन अब भी खत्म नहीं हुआ है, तो नतीजे आ रहे हैं, कौन से नतीजे हैं और खबरों वाले शेयर, साथ ही ट्रिगर्स कौन से हैं जिस पर नजर रखनी है, वरुण हमें बताएंगे। वरुण गुड मॉर्निंग, कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे कौन से आए, सबसे पहले यही बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, तो सभी की नजर अपोलो हॉस्पिटल के नतीजों पे थी, और थोड़े मिक्स टाइप के नतीजे हैं क्योंकि रेवेन्यू जो है 1.9% गिरे हैं, हमारा अनुमान बढ़ोतरी का था। मार्जिन्स नो डाउट 13% से बढ़कर 14.4% का है, तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा है, और मुनाफा 170 करोड़ पे आया है, हालांकि 210 करोड़ से गिरा है लेकिन हमारा अनुमान भी 130 करोड़ के आसपास का था, तो ऑपरेशनली और बॉटम लाइन पे नंबर जो है वो अच्छे हैं। इसके साथ साथ कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है, सब्सिडरी अपोलो हेल्थ को इसका अधिग्रहण जो है उसके लिए मंजूरी दे दी है इस कंपनी ने, और कंपनी ने अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन और टेली मेडिकल मेडिसिन कारोबार जो है उसके मर्जर के लिए कहीं ना कहीं अप्रूवल मिला है। तो अपोलो की जो बैकएंड फार्मेसी कारोबार है और अन्य फार्मेसी कारोबार जो है उसको अपोलो हेल्थ में डाला जाएगा, और साथ ही साथ मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है
कि ऑफलाइन फार्मेसी में 5,000 स्टोर खोलने का इस कंपनी का लक्ष्य है। अगले 3 साल में आय में 15-20% के आसपास की ग्रोथ का लक्ष्य जो है वो मैनेजमेंट लेके चल रहा है। तो इस रीस्ट्रक्चरिंग के चलते भी आज ये स्टॉक जो है वो काफ़ी फोकस में रहने वाला है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ कंपनी के नतीजे वैसे तो अच्छे हैं लेकिन एक एक्सेप्शन लॉस हुआ है जिसके कारण कंपनी का जो मुनाफा है वो गिरा है। रेवेन्यू 79% बढ़े हैं, मार्जिन फ्लैट रहे हैं, 5.7% से बढ़कर करीब 5.8% के आसपास आए हैं। मुनाफा 54 करोड़ से गिर के करीब 6 करोड़ के आसपास आया है। जो एक्सेप्शन लॉस कंपनी को हुआ है वो करीब 81 करोड़ का है, इसके लिए मुनाफे में इस तरह की गिरावट देखने मिली है। शारदा मोटर्स, यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 155% बढ़े हैं, मार्जिन जो है हालांकि इस कंपनी के गिरे हैं तो ऑपरेशनली वीक है, 10.4% से गिर के 8.7%। मुनाफा जो है हालांकि वो बढ़ा है, 6.2 करोड़ से बढ़ के करीब 26 करोड़ के आसपास आया है। और कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, 2.5 रुपये यानी कि 2.63 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। साथ ही साथ कंपनी ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सोल्यूशन के साथ JV किया है लिथियम आयन बैटरी पैक्स के उत्पादन के लिए। ये करार जो है इस कंपनी ने किया और Q3 FY22 में कामकाज चालू होने का यह अनुमान लगाया जा रहा है। मुंजा शोवा, यहाँ नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर है, रेवेन्यू जो है 26-27% बढ़े हैं, हालांकि हमारा अनुमान इससे ज़्यादा बढ़ोतरी का था। मार्जिन से इस कंपनी के गिर गए हैं, 4.2% से गिर के 2.3%, 5.5% के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। और मुनाफा जो है 44% गिरा है, 5.8 करोड़ पे आया है, तो ये अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, काफ़ी सारे क्वार्टर्स के बाद अब ये कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आई है। 37 करोड़ के घाटे के मुकाबले 8.4 करोड़ का मुनाफा जो है वो इस कंपनी ने किया है। इस बार कंपनी के रेवेन्यूज हालांकि 13% गिरे हैं लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा है, काफ़ी सारे कॉस्ट कंट्रोल कंपनी ने किए हैं, इसके वजह से कंपनी का जो मार्जिन है 5.3% से बढ़कर 16.7% पे आया है। तो ऑपरेशनली अच्छे नतीजे और घाटे से मुनाफे में आई है, तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। ओके वरुण, लंबी लिस्ट रही नतीजों की, लेकिन खबरें फिर क्या वो भी ढेर सारी हैं? डेफिनेटली ढेर सारी है, और फिगर्स सबसे पहले तो आप सुन लीजिए क्योंकि आज ONGC के नतीजे आने वाले हैं, इसके अलावा अशोक लेलैंड के नतीजे आने वाले हैं, तो नतीजों के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट दिन हो जाता है। वही शाम मेटालिक्स और सोना BLW प्रिसिशन की आज लिस्टिंग होने वाली है, तो इस लिहाज से भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। रिलायंस की AGM, 44वीं AGM है आज, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और रैलिस इंडिया की 73rd AGM है, तो यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। नाथ बायो, इस कंपनी के बोर्ड नतीजे पर तो फैसला करेगा, साथ ही साथ डिविडेंड और बायबैक पर विचार करने वाला है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ओरिएंट रिफैक्ट्रीज, आज से इस कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, RHI मैग्नेटिक्स इंडिया ये नाम होने वाला है, तो अगर आप ओरिएंट रिफैक्ट्रीज के नाम से ढूंढेंगे तो शायद आपको ना मिले, इसके लिए इस नाम के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और इंडियन बैंक QIP का फाइनल प्राइस जो है उसको जारी करने के लिए यहाँ बोर्ड बैठक करने वाला है, तो ये इम्पोर्टेंट फिगर्स है। इंडिया पेस्टिसाइड्स, इस कंपनी का IPO कल खुला था, दूसरा दिन है, पहले दिन 1.29 टाइम्स जो है भरा है, रिटेल का हिस्सा 2.51 टाइम्स भरा है। ऑर्किड फार्मा, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने OFS लॉन्च किया है, OFS के जरिए करीब 8.04% हिस्सा ये बेचने वाले हैं, यानी कि करीब 32,80,000 शेयर बेचेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इस कंपनी का फ्लोर प्राइस है, 375 रुपये का फ्लोर प्राइस रखा गया है, यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 72% के आसपास का डिस्काउंट दिया गया है, कल की क्लोजिंग 1325 रुपये की थी। वैपको इंडिया, इस कंपनी का OFS ऑलरेडी खुला है, कल नॉन रिटेल के लिए खुला था, नॉन रिटेल का हिस्सा जो है वो करीब 2 गुना भरा है और आज रिटेल के लिए खुलने वाला है। प्रमोटर यहाँ 6.5 लाख शेयर बेचने वाले हैं 6,550 रुपये के भाव पे, तो इसके ऊपर आज नजर होनी चाहिए। इसके अलावा वर्धमान स्पेशल स्टील, यहाँ कंपनी को लुधियाना के प्लांट में एक्सपांशन के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है वो मिल चुका है। और गोदावरी पावर एंड इस्पात, कंपनी को आयरन और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है। कंपनी की जो बेनिफिकेशन प्लांट जो है उसके लिए भी कंपनी को मंजूरी मिली है, इसके चलते कंपनी जो आयरन और लेती थी वो अब टोटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इस कंपनी का जो कॉस्ट है उसमें करीब 20% के आसपास की कमी आएगी, तो इसके चलते आज गोदावरी पावर जो है वो गया फिर अड़ा होना चाहिए। ओके वरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो ढेर सारी खबरें और ढेर सारे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद भी आए, इन पर हमें नजर रखनी होगी और ट्रिगर्स भी आज भरपूर हैं। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा हर रोज ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताते हैं, आइए आपको ये कॉल्स बता देते हैं। टेक महिंद्रा के लिए मेरी ये सलाह कि 1060 की कॉल अगले महीने की यानी कि जुलाई सीरीज की आप खरीदे 30 रुपए पे और स्टॉप लॉस रखें 24 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 39 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्रेट, ये ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा गिरने की आशंका नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें आप
हफ्ते भर भी अगले सप्ताह में होल्ड करते हैं तो नेक्स्ट सीरीज में तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो आप 1800 की कॉल 65 रुपये पे लें, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 52 रुपये, टारगेट आपका रहेगा 85। तो यही दोनों ऑप्शंस हैं। ओके, तो टेक महिंद्रा और दीपक नाइट्राइड दोनों पर ऑप्शंस की कॉल शर्मा जी की तरफ से। और आज के लिए तीन ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास। चॉइस ब्रोकिंग की राय चेन्नई पेट्रो पर है, खरीदारी की राय कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की तेजी स्टॉक में हमने देखी, आज भी तेजी कायम रहने की संभावना, 157 के टारगेट्स को मानकर चले, 141 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज टाइटन पर यहाँ पर बिकवाली की राय दे रहे हैं और ये राय 1720 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए दी गई है, 1820 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा, इसमें गिरावट आती हुई दिख सकती है, 1720 तक के लेवल्स पर ये जाता हुआ दिखेगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय केआरबीएल पर कल करीब 3% की तेजी के साथ अच्छे लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा था, आज भी 254 के लेवल्स जाते हुए दिख सकते हैं, इसे टारगेट माने, 233 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो दो कॉल्स खरीदारी की, एक बिकवाली की ट्रेडिंग कॉल्स के हिसाब से। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता जी अब जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज मंथली एक्सपायरी के दिन इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है? जी गुड मॉर्निंग मानसी जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि मंथली एक्सपायरी से जस्ट 2 या 3 दिन पहले जिस तरह का उठा पटक बाजार में आते हुए नजर आया है, तो मुझे लगता है आज की भी जो मार्केट है जो मंथली एक्सपायरी के चलते थोड़ी सी वोलेटाइल रहने देखते हुए देखने को मिल सकती है, जहां पर दोनों साइड के ट्रेड शायद हमें देखने को मिले। हालांकि जिस हिसाब से कल इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिली है, एफआईज और डीआईज की तरफ से खरीदारी के नंबर्स आए हैं और कल की जो क्लोजिंग है वो क्रूशियल सपोर्ट्स के पास है, तो मुझे लगता है कि बाजार शायद फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा एक रिबाउंड दिखाने की कोशिश करे। जहां तक लेवल्स की बात है, निफ्टी में मेरा ऐसा मानना है कि 15,650 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जिसके आसपास कल एक हमको क्लोज भी मिला, तो मुझे लगता है कि वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ऊपर में 15,750-15,800 तक की गुंजाइश देखने को मिलती है, लेकिन जिस हिसाब से कॉल राइटिंग है 15,700-750-800 के लेवल्स पर, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा हायर लेवल्स पर अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा ट्रिगर बाजार को मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 15,700 और 15,800 के बीच में निफ्टी में आज का एक्सपायरी देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक में भी 34,500 मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, ऑलमोस्ट उसी के आसपास कल का हमने क्लोज देखा है, तो वहां पर भी मुझे लगता है कि एक बार बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है। 34,800 तक के अपसाइड मुझे लगता है कि यहां पर भी देखने को मिलेगी। 34,380 का मैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। अगर बाजार 34,400-34,350 के नीचे निकलता है तो फिर मुझे लगता है कि 34,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो प्रेफर्ड केस रहेगा मुझे लगता है कि 34,500 को बाजार होल्ड करे और 34,800 की तरफ हमें निफ्टी बैंक में मूव आते हुए नजर आए। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है मानसी जी, तो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स एक सेक्टर सेगमेंट है जहां पर कल हमने एक अच्छा मोमेंटम, अच्छा खरीदारी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए देखा। वहां पर सीमेंस मुझे लगता है कि एक अच्छा पोजीशन है स्टॉक, जो कि एक अच्छी अपसाइड दिखा सकता है। 2028 के आसपास का कल का क्लोज है, तो वहां पर खरीदारी करके चलें, 2060-2080 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 2015 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स के लिए हमने आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जी से बात की और उनके रिकमेंडेशन आपके सामने रख रहे हैं। बुलियन मार्केट में बिकवाली की राय है अनुज की तरफ से, गोल्ड में बिकवाली की जगह 46,600 के टारगेट्स को मानकर चले, 47,450 का स्टॉप लॉस लगाकर एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय अगस्त कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड के लिए। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए खरीदारी का मन घरेलू बाजार में आप बनाकर चल सकते हैं, खरीदारी अगर करते हैं 5,500 के टारगेट्स को मानकर चले, 5,340 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो क्लियरली कच्चे तेल की चाल को देखते हुए खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाई कॉल इनिशिएट कीजिएगा और गोल्ड में बिकवाली की राय। लेकिन चलिए अब वक्त है एफआईआर का यानी कि ब्रोकर रिपोर्ट जानने का। और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आज पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी, तीन रिपोर्ट्स आई हैं और तीनों पर ही पॉजिटिव व्यू है ब्रोकरेज हाउस का। शुरुआत एनएमडीसी से करते हैं। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है और यहाँ पर उन्होंने लक्ष्य 186 से बढ़ाकर 200 का कर दिया है और जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है एनएमडीसी पर, न्यूट्रल रेटिंग दी है लेकिन लक्ष्य 200 से बढ़ाकर
210 का दिया है। जो अगली रिपोर्ट है वो है अपोलो हॉस्पिटल पर। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है और परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य 3306 का यहाँ पर दिया है अपोलो हॉस्पिटल पर। और इनका कहना है कि आने वाले समय में मार्जिन भी काफी स्ट्रांग, हॉस्पिटल मार्जिन काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल के। और आखिर में बात करते हैं बायोकॉन की। जीपी की रिपोर्ट आई है बायोकॉन पर। ओवरवेट की जो अपनी रेटिंग थी वो बरकरार रखी है और लक्ष्य यहाँ पर 415 का दिया है।